सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपने जिंदगी में किसी भी दिन को मत कोसिए क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है और बुरा दिन अनुभव। हर सुबह की धूप कुछ याद दिलाती है, हर महकती खुशबू एक जादू जगाती है। जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, निगाहों पर सुबह सुबह अपनों की याद आ ही जाती है। आपका दिन मंगलमय हो। सपना अगर पहाड़ के जैसा देख रखा है तो चढ़ने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आज का पंचांग 21 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 6:58 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघ नामक नक्षत्र दोपहर 1:58 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:34 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 21 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार। एक प्रभावी संचारक होने का मतलब है अच्छा श्रोता होना। छोटा भाई या अन्य रिश्तेदार आपसे अपनी विचार साझा करना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलने के लिए यह अच्छा समय है। किसी छोटी यात्रा के लिए तैयार हो जाएं, जो आपको नए अवसरों का वादा करती है। आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज आप अपने परिवार से मिलने जा सकती हैं। सोच समझकर ही किसी नए निजी और व्यवसायिक काम को शुरू करें। समय निष्ठ बनी, इसे आप तनाव से बचेंगी। किसी प्रिय से बात होगी, जो चाह वो मिल जाना सफलता है और जो मिला है उसको चाहना प्रसन्नता है। आज खुद को साबित करने के लिए बहुत मेहनत मशवरा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके परिणाम भी बेहतर ही मिलेंगे। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को आज कोई खुशखबरी मिल सकती है। किसी नजदीकी संबंधी की परेशानी में उसके आर्थिक मदद करने से आत्मिक सुकून भी मिलेगा। सेहत में हो रहे बदलावों पर ध्यान दें। सेहत को लेकर जो डर था वो परेशानी हो सकती है। योग्य व्यक्ति से जुड़ें, इससे अकेलापन दूर होगा, लेकिन ऐसे इंसान का गलत फायदा ना उठाएं। जो काम आप कर सकते हैं उतना ही किसी से वादा करें। गलत लोगों की संगत से नुकसान हो सकता है। नौकरी और बिजनेस में अपने से जुड़े हर इंसान पर ध्यान दें। रिलेशनशिप की नकारात्मक बातों पर ध्यान देकर आगे का निर्णय लेना होगा। सावधानियां, पड़ोसियों के साथ संबंध सुखद रखें तथा सामाजिक गतिविधियों में भी अपना योगदान अवश्य दें। खर्चों की अधिकता कुछ परेशान कर सकती है, इसे भी विपरीत परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाए रखें। समय अनुसार अपनी दिनचर्या में भी लचीलापन लाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवारजनों के बीच किसी बात को लेकर बेवजह तनाव की स्थिति बन सकती है, आपसे तालमेल बनाकर रखें। युवा वर्ग प्रेम संबंधों से दूरी बनाएं। प्रकृति की गोद में समय बिताएं, यह यात्रा आपके रोमांस और अंतरंगता को बढ़ाएगी। सब कुछ भुलाकर बस इन पलों में खो जाएं। संगीत नृत्य कला और फोटोग्राफी के माध्यम से भी अपनी साथी को लुभा सकती हैं। धन की कमी से निराश ना हो। ग्रहों के अनुसार आज आप अपने पड़ोसियों और भाई बहनों के साथ मेलजोल बढ़ा सकती हैं। आज आप अपने चाहने वालों के साथ हर एक क्षण का आनंद लेंगे, लेकिन इससे पहले अपनी रोमांटिक भावनाओं को थोड़ा कलात्मक बनाएं। लव यू कहकर या मिस यू का मैसेज भेजकर आप अपने साथी के होंठों पर मुस्कान ला सकती हैं। बात करते हैं करियर की। व्यवसायिक परेशानी या भुगतान के कारण आज के दिन आप व्यस्त हो सकते हैं। काम व्यवसाय धन और लाभ से ऊपर उठकर कुछ अलग सोचें, वर नृत्य संगीत फोटोग्राफी जैसे शौकों के लिए समय निकालें। आज आप अपनी पेशेवर बाधाओं को कम करने के लिए हर प्रयास करेंगे। खुद के लिए और अपने कार्यक्रमों के लिए समय निकालें।
आपके ग्रहों के अनुसार आज आपकी अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ बातचीत अच्छे परिणाम लाएगी। लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने तर्कों और सर्वोत्तम प्रयासों का प्रयोग करें। व्यवसाय में उन्नति के लिए संदेहशील योजना और बेहतर रणनीतियों की आवश्यकता है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य के मामलों में ज्यादा लापरवाही रखना समस्या को और अधिक बढ़ा सकता है। छोटी सी भी समस्या होने पर भी तुरंत इलाज लें। नींद संबंधित समस्या की वजह से सेहत भी बिगड़ सकती है। आज का उपाय, आज आप मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।